अटल जी के निधन से आज युग का अंत हुआ है। हमने ऐसे पुरोधा को खोया है जिसकी पूर्ति होना असंभव है। कुशल राजनीतिक कवि हृदय सम्राट और एक तौर से जिनको कह सकते जिनका कोई विरोधी न हो, सभी राजनीतिक दल के लोग जिनका सम्मान करते थे और जिन्होंने करोड़ों देश और उपदेश में रहने वाले लोगों के हृदय में स्थान बनाया, ऐसे अटल जी अब हमारे मध्य नहीं रहे। उनका जो बताया कि पथ है वो हमारे लिए अनुकरणीय है। मुझे इस बात को बताने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 1981 में जब अटल जी बालाघाट आए थे तब उनके आशीर्वाद के साथ मैंने राजनीति में अपनी भारतीय जनता पार्टी परिवार की शुरुआत की थी। 1998 में पहली बार सांसद बनने के बाद सरकार के कार्यकाल में उनके मार्गदर्शन में उनके आशीर्वाद में मैंने सांसद के रूप में काम किया है। आज हमारी नम आँखें अधिक कुछ कहने का साहस नहीं। मैं परमपिता परमेश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ क्योंकि दिवंगत आत्मा को शांति मिले और जैसे सपने इस राष्ट्र को बनाने का उन्होंने सजवाया था उसको हमारी नई पीढ़ी पूरा करे और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रणेता अटल जी को हम सदैव उनके बताए गए पथ पर चल के उन्हें पूरा करें, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं ईश्वर से पुनः उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष सर्वमान्य नेता पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के निधन से भारतीय जनता पार्टी के परिवार को और देश को भावनीय क्षति हुई है, जिसे मैं भारतीय जनता पार्टी और नगर की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि भगवान अपने चरणों में स्थान दे और जो क्षति भारतीय जनता पार्टी को है उसे सहन करने की हमारे परिवार को शक्ति प्रदान करें। भारतीय राजनीति के पुरोधा, भारत के महान राजनेता, भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक, महान पुरोधा के दुखद निधन का समाचार सुनकर पूरे भारतवर्ष के करोड़ों करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ताओं के जिनके दिलों में अटल जी ने हमेशा राज किया है, आज पूरा देश स्तब्ध होने की अवस्था में आ गया है समाचार को सुनते ही। आज पूरा 125 करोड़ भारतीयों का देश वास्तव में मन से ऐसा दुखी है, लेकिन अटल जी के बताए हुए प्रेरणादायक शब्द, अटल जी के व्याख्यान, अटल जी की कविताएं उन 125 करोड़ भारतीयों के मन में, उनके दिलों में हमेशा प्रेरणा देती रहेंगी और एक ऐसे भारत के निर्माण में हमेशा मजबूती प्रदान करेंगी जो सपना अटल जी ने देखा था। जैसे भारत के निर्माण का सपना देखा था अटल जी ने, आज भारतीय जनता पार्टी उनके सपनों को साकार करने का प्रयास हमेशा तन मन से करती रहेगी। आज